आप वैसे ही होप कि आप लोग अच्छे हो। तो जमीन मालिकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब नीतीश सरकार ने उठाया बड़ा कदम। यानी पूरी जानकारी लेकर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अब तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। तो बिहार में इन दिनों जमीन विवाद का मामला तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसी बीच नीतीश सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। इस कदम से जमीन के मामलों में का जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा। आइए जानते हैं नीतीश सरकार की तरफ से क्या है बड़ा कदम उठाया गया। पूरी जानकारी के साथ वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। बिहार सरकार की तरफ से जब से जमीन रजिस्ट्री के नियम को बदलाव किए गए हैं, तब से लगातार जमीन के विवादी मामले दिन प्रतिदिन देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से सभी DCLR यानी कि भूमि सुधार उप समाहर्ता को कुछ सप्ताह में 4 दिन न्याय कार्य करने का निर्देश दिया गया। यानी कि सरकार की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा जमीन पर फैसला नीतीश सरकार की तरफ से निर्देश लागू होने के बाद जवाब दे रही है और मंडलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारी को दिया गया। मैं बता दूं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के द्वारा अधिकारियों को पत्र लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि भूमि विवाद में जुड़े मामले के समय के भीतर ही निपटारे की गारंटी करें। और आप अपर मुख्य सचिव के द्वारा पिछले दिनों में भूमि विवाद से जुड़े मामले की समीक्षा किया गया, जिससे पता चला कि लंबी सुनवाई के बावजूद अब तक सिर्फ 54.65 मामले का ही निपटारा हो पाया है। बाकी 45.35 जो है निपटारे के लिए बाकी है। समीक्षा में क्या बताया गया है मैं बता दूं कि आपको बता दें कि समीक्षा में बताया गया है कि बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के अनुसार जो है DCLR के न्यायालय में भूमि विवाद को सुनवाई होता था। मैं बता दूं कि यह अधिनियम के तहत राज्य भर में 11,628 मामले दर्ज कराए गए थे, जिसमें की 6,355 मामले अभी तक निपटारा हो पाया है। 5,273 अभी भी लंबित, 3 महीने अधिक समय से लंबित मामले की संख्या लगभग है 3,373 है। मैं बता दूं कि अपर मुख्य सचिव द्वारा पत्र में लिखा गया कि एक स्थिति बताती है कि DCLR की स्तर पर भूमि विवाद के अधिनियम के तहत संचालित न्यायालय का कामकाज ठीक ठाक से